रहमान रहीम, 10th क्लास। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो SST का है वो टॉपिक हमारा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी माशरती तरक्की। तो ये हमारा आज स्टार्ट है यूनिट नंबर 7, 8। यूनिट नंबर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमने आगाज़ करना है यूनिट नंबर 8 का, जिसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी माशी तरक्की। यानी माशी तरक्की होता है जिससे जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, जिससे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। अब हम इसका मफहूम बयान करते हैं या देखते हैं कि माशी तरक्की होती क्या है, मतलब इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स देखते हैं कि माशी तरक्की की डेफिनेशन क्या है या इसका मफहूम क्या है, इसको क्यों कहा जाता है, माशी तरक्की होती क्या है। और दूसरा है इसके जो माहरीन हैं, जो माशी माहरीन, उन्होंने इसके मरले जो हैं उनको मरलावार तरतीब दिया, यानी इनके मरले तय किए हैं। और सबसे पहला जो है मरला वो हमारा, वो भी इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो जो स्टार्ट होता है 1947 से लेकर 50 तक, यानी जो पाकिस्तान आज़ाद होने से लेकर 1950 तक, वो माशी तरक्की का पहला मरला था। अब जो कॉन्फ्रेंस है माशी तरक्की की, उसका इनकार कब हुआ, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब सबसे पहले हम माशी तरक्की की डेफिनेशन देखते हैं या उसकी थोड़ी सी तारीफ जो है वो मैं आपको बताती हूँ, दूसरे लफ्ज़ों में मफहूम। असल में किसी भी पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामजन होना वो कहलाता है माशी तरक्की। यानी कि ऐसा किसी पसमानदा मईशत का, जैसे कोई ऐसा इंसान है या कोई माशरा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक माशरा है जो बहुत तरक्की पसीर है, यानी उनके पास जो है बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो नहीं है, उनके पास इतनी अर्निंग्स नहीं है, उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की याफ्ता होना या तरक्की की जानब गामजन होना वो क्या कहलाता है, माशी तरक्की। जैसे इंसान हर शोबे में तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, तरक्की होता है आगे बढ़ना, न्यू न्यू वेरिएशंस, नई नई मंजिलें तय करना और आगे जाते जाना, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो माशी तरक्की का ये मफहूम है कि किसी भी पसमानदा माशियत का तरक्की याफ्ता माशियत की तरफ गामजन होना माशी तरक्की कहलाता है। तो जो मुख्तलिफ माहरीन माशात हैं उन्होंने मुख्तलिफ इसकी डेफिनेशंस बयान किए हैं, जिनमें से एक प्रोफेसर आर्थर लियोस हैं। तो उसके मुताबिक क्या है माशी तरक्की की तारीफ, उसके मुताबिक है कि अशियाओं खिदमात की पैदावार में इजाफे करना माशी तरक्की है। यानी कि माशी तरक्की के नतीजे में इंसान जब बेहतर ज़िंदगी गुजारता है तो फिर माशियत में जो है वो बुनियादी तब्दीलियाँ इंसान ऑटोमेटिकली ले आता है, क्योंकि जैसे जितने इंसान के पास जितना पैसा होगा वो मज़ीद आगे वो चीज़ें खरीदेगा, इस तरह जिनसे चीज़ें खरीदेगा उनका भी रोज़गार बढ़ेगा, उनको भी आमदनी मिलेगी और इनको भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वो दस्तियाब होंगी। तो ये क्या होगा एक माशरे में रहते हुए माशी तरक्की। यानी कि जो प्रोफेसर आर्थर लीवेस है उनके मुताबिक अशियाई खिदमात की पैदावार में इजाफे करना माशी तरक्की है। अब इसका मरहला हम देखते हैं कि माशी तरक्की के मुख्तलिफ जो माहरीन हैं उन्होंने मरले तय किए हैं या उन्होंने मुतय्यन किए हैं कि जो पाकिस्तान की माशी तरक्की है वो मरला वाल कहाँ तक कैसी पहुँची या किस अरसे में पाकिस्तान जो ये मुल्क है इसने कितनी तरक्की की, किसके दौर हुकूमत में ज़्यादा हुई या कितनी हुई, ये सारी प्रोग्रेस है असल में माशी तरक्की की।